बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पे बहुत ही खतरनाक जहर लगाए और शिकार को निशाना बनाकर उसने अपने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और वह तीर एक पेड़ पे जाकर लग गया। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था। उस पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे और उस पर जो भी तोते रहते थे वो एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता दाना लेकर आता और उसी कोटे में आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसको समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, तो चलो चलकर किसी और पेड़ पे रहा जाए, परंतु वो बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता जिस पेड़ पे रह रहा था, उस पेड़ पे जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ गिरने और सूखने और खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है, लेकिन एक तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं और बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर भी हैं और उस पेड़ पे बहुत सारे फल भी हैं। आप वहीं से उस फल को तोड़कर खा भी सकते हैं, परंतु आप यहाँ से चले जाइए। तोता बोला कि माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम मेरा साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, मैं यहाँ पाला बड़ा हूँ, इस पेड़ को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो मैं क्या इसे छोड़कर चला जाऊं? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपका यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। तोते ने कहा कि मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, जहाँ मैं रहा पाला बड़ा हूँ, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हैं, उसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा वो पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींचा और पहले की तरह हरा भरा कर दिया और वापस से बाकी तोते आकर रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है, उसे किसी की सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप उसको उस समय में छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख के साथी जरूर बनना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिली ये हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ सके, क्योंकि आप सबका साथ ही हम सबकी बड़ी कामयाबी है। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि हर दिन हर सुबह एक नए सोच के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए उम्मीद के साथ और एक नए जुनून के साथ हम ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप सबको एक सही राह दिखाता रहूं। जय हिंद।